आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि करप्टेड रिकॉर्ड को कैसे हैंडल करते हैं। अब करप्टेड रिकॉर्ड को हैंडल करने के लिए आज के इस वीडियो में हम बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि हमें पूछे जा सकते हैं अगर ये हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधा लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमने आज का टॉपिक दे दिया कि करप्टेड रिकॉर्ड फाइल हैंडलिंग हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि पहले कि यह क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी करप्टेड रिकॉर्ड को हैंडल किया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, अगर किया है तो फिर आगे के क्वेश्चन आएंगे। व्हेन डू यू से कि करप्टेड रिकॉर्ड है, सबसे पहले कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो करप्टेड है ये पता कैसे चलेगा हमें कि वो रिकॉर्ड करप्टेड है, ठीक है। आगे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन वी इनकाउंटर करप्टेड रिकॉर्ड इन डिफरेंट रीड मोड, अगर हम अलग अलग डिफरेंट मोड में रीड कर रहे हैं तो उसके साथ क्या होगा अगर हमारा करप्टेड रिकॉर्ड मिलता है तो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ कैन वी प्रिंट द बैड रिकॉर्ड्स, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है उसको अगर प्रिंट करवाना है, हमें देखना है तो कैसे देख सकते हैं, ठीक है। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन इसके अलावा भी हो सकते हैं, तो ये होगा कि वेयर डू यू स्टोर करप्टेड रिकॉर्ड, अगर कोई करप्टेड रिकॉर्ड आ रहा है उसको स्टोर करके सामने वाले को बताना कि इतने सारे रिकॉर्ड आपके करप्टेड थे, क्योंकि हम प्रिंट तो 5-10 करवा के चेक कर सकते हैं ना। अगर मान लो 1000 रिकॉर्ड करप्टेड है तो वो तो हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, तो वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये रहेगा आज का हमारा मेन मुद्दा कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम समझ जाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेकेंड क्वेश्चन को डील करते हैं कि व्हेन डू यू से कि इट्स करप्टेड रिकॉर्ड, ठीक है। तो करप्टेड रिकॉर्ड जो हमारा जनरली होता है वो होता है CSV JSON टाइप के फाइल में। अब ये कैसे करप्टेड रिकॉर्ड होगा उसके बारे में देखते हैं। जैसे JSON है, अगर आपको JSON पता होगा तो ये क्या होता है, की वैल्यू पेयर में होता है। तो मान लो कि ये JSON है, यहाँ पे इसका की है, यहाँ पे इसका वैल्यू है, ठीक है। अब मान लो कि इसी तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी की एंड वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन कोई ऐसा रिकॉर्ड है जहाँ पे कि उसका कर्ली ब्रेसेस जो लास्ट में ये क्लोज हो रहा है ये है ही नहीं, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा बैड रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि वो कभी प्रॉपरली क्लोज हुआ ही नहीं। तो एक केस ये हो सकता है। अब CSV के केस में क्या हो सकता है, CSV का एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने बनाया है, वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखो एक टेबल है, मतलब ये CSV का डेटा है, इसको टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस केस में देखो हमारे पास कितने कॉलम है, कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 कॉलम है। तो 6 सेपरेटेड कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू हो सकती है, मतलब 5 कॉमा हमारे बीच में आ सकते हैं। तो देखो इसमें कितने कॉमा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कॉमा से सेपरेटेड है, सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन ये देखो ये थर्ड वाला रिकॉर्ड, यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा एड्रेस कॉलम है, एड्रेस में इसमें क्या दे दिया है, बैंगलोर कॉमा इंडिया, और CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो ये बैंगलोर और इंडिया को ये अलग अलग कंसिडर कर लेगा। इस केस में बैंगलोर एंड इंडिया अलग अलग कंसिडर हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, हमारा बैड रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि एड्रेस में क्या बोलेगा, बैंगलोर एंड नॉमिनी में बोलेगा इंडिया, तो नॉमिनी इंडिया नहीं हुई ना, उसकी नॉमिनी तो नॉमिनी 3 थी। तो इस तरह से हमारे बैड रिकॉर्ड इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा CSV का। तो अभी तक हम समझ गए कि कब हमारा रिकॉर्ड को करप्टेड रिकॉर्ड बैड रिकॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ तक समझ गए हो कि करप्टेड रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन को आपको खुद आंसर करना है। अगर आंसर कर गए इसका मतलब कि हमने जो लास्ट में पिछले बार रीड मोड पढ़ाया था वो आप लोग को समझ में प्रॉपर आ गया है। तो देखो रीड मोड में हमने 3 मोड बताए थे, अगर आपको याद होगा तो, परमिसिव, ड्रॉप मैलफॉर्म्ड एंड फेल फास्ट। तो इसी को बोल रहा है कि अगर हम ये वाले थर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अगर हमें परमिसिव मोड में बैड रिकॉर्ड मिलता है तो क्या होगा, फेल फास्ट मोड में मिलता है तो क्या होगा, और ड्रॉप मैलफॉर्म्ड में मिलता है तो क्या होगा, ये पिछली बार मैंने बताया था। चलो तो इसका आंसर ना ऐसे मत दो, इसको आंसर ऐसे करो कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड विल बी देयर इन परमिसिव मोड, ड्रॉप मैलफॉर्म्ड रिकॉर्ड और फेल फास्ट मोड। अगर ये तीनों मोड में अगर हम इस सेम कोड को, सेम इन्फॉर्मेशन को अगर चलाएं तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो परमिसिव में क्या होगा, परमिसिव में 5 के 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड होगा उसको नल सेट कर देगा, लेकिन उसमें कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, करेक्ट। अब
दूसरा क्या है, ड्रॉप मैलफॉर्म। ड्रॉप मैलफॉर्म मतलब कि जहाँ जहाँ इसको करप्टेड रिकॉर्ड मिलेगा उसको ड्रॉप कर देगा। तो इसमें हम पता कर लेते हैं कि हमारे कितने करप्टेड रिकॉर्ड है। एक तो हमें यह पता चल गया था कि करप्टेड है, यहाँ पे भी देखो कोलकाता कॉमा इंडिया, मतलब ये भी एड्रेस गलत है, तो ये दोनों हमारे करप्टेड रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो टोटल कितनी एंट्री आ जाएगी, तीन आ जाएगी, एक दो और लास्ट का तीन। तो तीन रिकॉर्ड आएगा हमारा कब, जब हम होंगे ड्रॉप मैलफॉर्म्ड में, ठीक है। पांच की पांचों एंट्री होगी जब परमिसिव मोड में होंगे, करेक्ट। और फेल फास्ट में जीरो होगा, क्योंकि वो जैसे ही वो रिकॉर्ड आएगा ही नहीं, वो हमें एरर थ्रो कर देगा, तो फेल फास्ट में बोलेगा करप्टेड रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, और क्या क्वेश्चन था। हैव यू वर्क विथ करप्टेड डेटा, अभी तक नहीं, लेकिन हाँ हम आगे करने वाले हैं। करप्टेड रिकॉर्ड क्या होता है, समझ में आ गया। ये भी समझ में आ रहा है कि परमिसिव मोड में कितने आएंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि हाउ कैन वी प्रिंट बैड रिकॉर्ड्स। तो बैड रिकॉर्ड को अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें पहले अपना स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, ये मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगा कि हम परमिसिव मोड में कैसे हम बैड रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो मैंने लिंक दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको गो थ्रू करना है, सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, क्योंकि ये बाद में आगे जाके आप जब वर्किंग इन मतलब अपने कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल होगी ही। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए इंटरव्यू में कि अगर हमें इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो चीज़ें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, ठीक है। वापस आते हैं, ओके ठीक है। तो ये जो बाकी के तीन क्वेश्चन है ना, वो सीधा हम आंसर करेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन में। मतलब ऑफ कोर्स ये भी प्रैक्टिकल सेशन ही है, लेकिन पहले थोड़ा सा थ्योरी बात कर लिए। अब हम चलते हैं सीधा डेटा ब्रिक्स के नोटबुक पे, और वहाँ पे सब कुछ आपको करके दिखाएंगे, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने मैनुअल स्कीमा क्रिएट करना सिखाया था, उसका रीज़न यही था कि हमें बैड रिकॉर्ड जब प्रिंट करने होते हैं तो खुद के मैनुअल स्कीमा देने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था मैनुअल स्कीमा। अगर नहीं देखा होगा तो इधर या इधर लिंक आ जाएगा आपको, और पूरा प्लेलिस्ट का भी लिंक आ जाएगा, तो जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं अपने डेटा ब्रिक्स नोटबुक में। यहाँ पे हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है, क्लस्टर कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे हमने एम्प्लॉय DF का एक डेटा फ्रेम बना लिया। ये हमने टेबल फाइल को यहाँ पे स्टोर किया है, स्टोर का लोकेशन कल के वीडियो में सब कुछ, या कल या इससे पिछले वाले वीडियो में सब कुछ मिला होगा। तो अगर अभी तक कंटिन्यू देखते आ रहे होगे तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, और दिक्कत आ रहा है तो पिछले वाले वीडियो जाके देखो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम चीज़ें एक्सप्लेन करने से टाइम वेस्ट होगा। और ये नोटबुक बिल्कुल मत मांगिएगा, क्योंकि ये नोटबुक मैं नहीं देने वाला हूँ, खुद से आपको टाइप करना है, खुद से सीखना है, क्योंकि मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करने के लिए और कंट्रोल एंटर प्रेस करके रन करने के लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूँ इतना मेहनत करके, ठीक है। तो ये देखो एम्प्लॉय DF हो गया, यहाँ पे हमने स्पार्क रीड फॉर्मेट जो भी है रीड करने का मेथड उससे रीड कर लिया। यहाँ पे मोड देखो अभी परमिसिव रखा है, ठीक है, हमने बताया था कि परमिसिव रखेंगे तब क्या होगा। अब इसको रन करते हैं, परमिसिव का मतलब सारे रिकॉर्ड को एंटर करने देगा, और जहाँ पे उसको गलत लगेगा उसको क्या कर देगा, नल सेट कर देगा। तो ये देखिए हमारे पाँचों रिकॉर्ड आ गए हैं। अब यहाँ पे देखो हमने कहीं पे कोई गलती करा है क्या, तो यहाँ पे देखो हमने हमारा कोई रिकॉर्ड गलत आया क्या, ये देखो ये रिकॉर्ड गलत आया है। और ये रिकॉर्ड कैसे गलत आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो एड्रेस में है बैंगलोर और नॉमिनी में है इंडिया, लेकिन नॉमिनी में इसका क्या था, एक्चुअल नॉमिनी थ्री एंड नॉमिनी फोर, लेकिन यहाँ पे आया है इंडिया और इंडिया। तो इस तरह से, और ये आगे की चीज़ों को इग्नोर कर दिया, ये बैंगलोर कॉमा सेपरेटेड था, तो अगर एक्स्ट्रा कॉलम दोगे तो उसको इग्नोर कर देगा, मतलब एक्स्ट्रा कॉमा के साथ कोई वैल्यू दोगे तो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पांच रिकॉर्ड हमारे आ गए, और देखो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया था, 30,000 एड्रेस में हमने कुछ भी पास नहीं किया, तो उसने नल सेट कर दिया खुद से, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। अब यही सेम कोड को हम रन करते हैं किस में, ड्रॉप मैलफॉर्म्ड में, तब क्या आना चाहिए, तब उस केस में कितने आएंगे, अभी आप लोगों को बताया था, यहाँ पे बस रन करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तीन रिकॉर्ड आए जो कि एक्सपेक्टेड था हमारा। अब इसी को हम करेंगे फेल फास्ट मोड में, तो वापस से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और मोड को कर लेते हैं फेल फास्ट। ठीक है, इसने एरर दे दिया, यहाँ तक अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी इनकाउंटर, ठीक है। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन को लाइव करके देख लिया, करप्टेड रिकॉर्ड हो गया, हैव यू वर्क विथ, अब तो हम करप्टेड रिकॉर्ड के साथ काम भी करना शुरू कर दिए हैं। हाउ कैन वी प्रिंट बैड रिकॉर्ड्स, ये फोर्थ क्वेश्चन को अब आंसर करने वाले हैं। तो बैड रिकॉर्ड को हमें करना है प्रिंट, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एक स्कीमा क्रिएट। पहले करना पड़ेगा स्कीमा क्रिएट, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिला था मेरे को, ये इन्फॉर्मेशन मिला था यहाँ पे कि पहले आप अपना स्कीमा क्रिएट करो, उसमें अंडरस्कोर करप्टेड करप्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड करके एक आप अपना कॉलम नेम एक्स्ट्रा क्रिएट कर लो, और वहाँ पे फिर हम आपके करप्टेड रिकॉर्ड की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं अभी इम्प्लीमेंट, ये आप खुद से पढ़ लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इम्पोर्ट लगेंगे वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्कीमा क्रिएट करेंगे। स्कीमा क्रिएट करने के लिए भी पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में, तो स्कीमा क्रिएट करना आप लोग को आता होगा, तो वहाँ से ये वाली चीज़ें मैं अभी लिखने वाला हूँ, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय स्कीमा नाम का एक स्कीमा बना रहा हूँ, जहाँ पे कि देखो हमारे पाँच वो वाले कॉलम्स हैं, पाँच या छः, दो चार छः, छः वाले छः वो वाले कॉलम्स हैं जो कि हमारे डेटा में पड़ा हुआ है, और सातवां कॉलम मैंने इंट्रोड्यूस किया है अंडरस्कोर करप्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, जिसका कि हमने टाइप रखा है स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, और इसमें नल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसको अब हम करते हैं रन, इस नाम से मेरा एक स्कीमा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसी रिकॉर्ड को पढ़ेंगे, ऊपर में कहाँ गया मेरा, ये वाले रिकॉर्ड को ही पढ़ना है, बस ये है कि हमारा स्कीमा अब पास होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो हमने स्कीमा बनाया उसको हम पास करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे हम कर देंगे डॉट स्कीमा, और उसके अंदर हम स्मॉल में स्कीमा, एंड उसके अंदर पास कर देंगे अपना स्कीमा का नाम। तो ये हमारा स्कीमा का नाम है एम्प्लॉय स्कीमा, ठीक है, और ये नेक्स्ट लाइन में जाना है इसलिए बैक स्लैश, और तो सब कुछ सही है, इसको रन करते हैं। ये देखो हमारा अंडरस्कोर करप्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड में हमारा डेटा आ गया, ये देखो थर्ड प्रीतम ये वाला जो डेटा है ये हमारा करप्टेड है, और यहाँ पे ये वाला भी डेटा हमारा करप्टेड है। अब यहाँ पे आप लोगों को डॉट 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 दिख रहा होगा, तो पूरा डेटा नहीं देख पा रहे होगा, करेक्ट। तो पूरा डेटा अगर देखना है तो हम डॉट शो के अंदर क्या बोलेंगे कि ट्रंकेट जो कर रहे हो उसको मत करो, तो हम इसको लिख देंगे ट्रंकेट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब ये हमारे डेटा को ट्रंकेट नहीं करेगा, ये देखो पूरा डेटा यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाला रिकॉर्ड आपका गलत है और ये वाला भी रिकॉर्ड आपका गलत है। तो आई थिंक कि हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी आंसर कर लिया है, यहाँ पे क्या था हाउ कैन वी प्रिंट बैड रिकॉर्ड्स, ये हमने आंसर कर दिया। अब क्या है कि वेयर डू यू स्टोर करप्टेड रिकॉर्ड्स, करेक्ट। अब ये जो है इन्फॉर्मेशन एक दो रिकॉर्ड थी तो तब तक तो चल गई, लेकिन अगर मान लो कि 1000 रिकॉर्ड्स होते तब क्या करते, तो उसके लिए हमको स्टोर करना पड़ेगा, किसी एक लोकेशन पर स्टोर करना पड़ेगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम जो हमारे करप्टेड रिकॉर्ड्स है उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे ऑप्शन में होता है कि बैड रिकॉर्ड्स पाथ, ये है हमारा ऑप्शन का नाम, इसका की है और वैल्यू में उसका पाथ जहाँ पे कि आप स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सेम कोड हमारा यूज होने वाला है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या बोला कि एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे ऑप्शन एक साथ फिर स्कीमा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसके बाद भी डॉट ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ डॉट ऑप्शन, इसके बाद हम ऐड करने वाले इसका की का नाम, तो की का नाम है बैड रिकॉर्ड्स पाथ, ठीक है, और इसमें हम पाथ पास करेंगे। तो अब हमें पाथ पास करना है, तो हमारा देखो यहाँ पर फाइल स्टोर टेबल का डेटा, सॉरी CSV फाइल स्टोर्ड है, तो इसी के आगे हम एक और डायरेक्टरी का नाम दे देंगे इसको बैड रिकॉर्ड्स करके ऐसे, तो ये डायरेक्टरी हमें बना देगा, और इसको स्ट्रिंग पास करना होता है की वैल्यू पेयर को, तो इसको स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस जगह पे हमारे को जाके ये बैड रिकॉर्ड को स्टोर कर देगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी उस लोकेशन पर कितनी फाइल पड़ी हुई है, तो कितनी फाइल पड़ी हुई है, तो इसके लिए हमने बताया था %FS एंड देन LS एंड पाथ पेस्ट कर दो, ठीक है। मैंने पाथ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्लॉय CSV का डेटा, और ये जो हमने कल लोड किया था फ्लाइट डेटा वो वाला डेटा है। ये %FS का मतलब फाइल सिस्टम है, ऐसे अगर इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हो तो db utils.fs ऐसे करके आता है, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैड रिकॉर्ड्स पाथ बनाए,
और यहाँ पे हमने एक पाथ दिया कि इसके अंदर हमारे जितने भी बैड रिकॉर्ड है उसको स्टोर कर देना है। अब इसको हम रन करते हैं, इस सेल को, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में इसको नहीं किया था, ठीक है। ये सारे एरर आपको भी आएंगे तो ऐसे ही रिजॉल्व करना है। ओके, बोल रहा है कि बैड रिकॉर्ड्स पाथ इज स्पेसिफाइड मोड, अच्छा मोड इज़ नॉट अलाउड टू सेट, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट मोड लेता है, तो ये बोल रहा है कि अगर आप बैड रिकॉर्ड पाथ यूज कर रहे हो तो ये नहीं देना है आपको, तो हम हटा देते हैं इसमें से, ठीक है। ओके, ये चल गया। अब हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है, ये हमारा चल गया। अब हम जाके देखते हैं कि इस लोकेशन पे कोई फाइल बनी है कि नहीं, और ये जो फाइल बनता है वो हमेशा जेसॉन फॉर्मेट में बनता है, तो अभी चलो इसको देख लेते हैं पहले यहाँ पे फाइल बना है कि नहीं। अभी पिछली कंडीशन ये थी, अब वापस देखते हैं कि इसके अंदर कुछ फाइल डायरेक्टरी कुछ बनी है कि नहीं। देखो ये पहले रन किए थे तो ये दो दो रोज आए थे, अभी देखते हैं। देखो तीन रोज आ गए ना, एक एक्स्ट्रा रोज आया, और वो कौन सा है, ये बैड रिकॉर्ड वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एलएस करेंगे, ठीक है। तो हम इसके आगे लगा देते हैं बैड अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, ठीक है। अभी इस पाथ को हम चेक करेंगे, फाइल नॉट फाउंड, अच्छा रिकॉर्ड्स का स्पेलिंग गलत था, RECODS था, तो इसलिए ये हमें रिकॉर्ड्स देख रहा था गलत। ओके, ये देखो हमारा एक इस नाम से बना हुआ है, तो इस नाम के अंदर जाते हैं, करेक्ट, ये एपॉक टाइम होगा, वापस रन करते हैं। ओके, इसके अंदर फिर से बैड रिकॉर्ड्स हैं, एक और डायरेक्टरी है, फिर से कर लेते हैं। इस बार वो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो बैड रिकॉर्ड्स है, ये हमारा वाला नहीं है। देखो हमारा वाला RECODS था, ठीक है। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं, इधर जाते हैं, ये देखो हमारा नेम, इस नेम से हमारा फाइल जो है वो बैड रिकॉर्ड बना हुआ है। इसका साइज़ यहाँ पे है, मॉडिफिकेशन टाइम है, ये सब एपॉक टाइम होगा। तो अब हमको क्या करना है कि हम ये जेसॉन फॉर्मेट में है तो अब हमें रीड करना होगा। अगर इसको हम देखना चाहते हैं कि कैसा प्रिंट किया है उसके अंदर, क्योंकि हमें देखना भी तो पड़ेगा कि कैसा प्रिंट किया है, तो हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, बैड डेटा df, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट कौन सा होगा, जेसॉन है, इसके बाद सॉरी जेसॉन डॉट लोड कर देते हैं, ठीक है। लोड में हम डाल देते हैं अपना ये पाथ, ठीक है, और फिर हम कर देते हैं बैड डेटा df डॉट शो, ये देखो हमारा दो बैड रिकॉर्ड यहाँ पे थे इस डेटा फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे अब ये फाइनली स्टोर हो चुका है ये इन्फॉर्मेशन, अब ये फाइल हम जिसको भी भेजेंगे उसको मिल जाएगा। अभी ये इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रंकेट इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, तो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिख जाएगा इसी पेज पे। ये देखो पूरा लोकेशन के साथ सब कुछ आ गया है कि किस फाइल के साथ पाथ, किस पाथ का है, किस रीजन की वजह से हुआ है, और कौन सी वो रिकॉर्ड थी जिसकी, जिस जो करप्ट रिकॉर्ड था। तो इस तरह से हमने आज के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लिए हैं। यहाँ पे देखो, हैव यू वर्कड, यस वी हैव वर्क नाउ, अब तो हम कह सकते हैं कि हम वर्क किए हैं। उसके बाद करप्टेड रिकॉर्ड क्या होता है, डिफरेंट मोड में जब हम रीड करते हैं तो कैसे होता है, और क्या डेटा दिखता है, कैसे हम बैड रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकते हैं अंडरस्कोर करप्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड से, एंड वेयर डू यू स्टोर, तो स्टोर करने के लिए बैड रिकॉर्ड्स पाथ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं डॉट ऑप्शन में। तो यहाँ से अगर आपसे अभी कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि बैड रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर इट, ठीक है। तो यही मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि पूरी डिटेल में सब कुछ चीज़ों को सिखाया जाए, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।